दोस्तों इंडिया में वैसे तो बहुत सारी डॉग्स ब्रीड हैं, बट उनमें से कुछ ही डॉग्स ब्रीड ऐसी हैं जो काफी फेमस हैं और हर कोई उन्हें ही परचेज करना चाहता है। तो उसी में से आज मैं आप लोगों के लिए एक काफी अच्छी क्वालिटी की डॉग ब्रीड लेकर आया हूं, जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड। तो फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में काफी फेमस है, और इसी वजह से ये वर्ल्ड डॉग रैंकिंग में नंबर 3rd पर आते हैं और एक इसी की डॉग रैंकिंग में नंबर 2 पर। तो अगर आप लोगों ने इस ब्रीड को परचेज करने का जरा सा ही मन बना रखा है तो भाई एकदम परफेक्ट वीडियो पे आए हो, क्योंकि भाई एक तो पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और ऊपर से काफी डार्क कलर में भी, और जब आप लोग इनके पेरेंट्स को देखोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि पपीज की क्वालिटी किस लेवल की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो जर्मन शेफर्ड आप लोगों को कुछ अलग अलग कोट्स में मिल जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट, मीडियम, डबल या फिर लॉन्ग कोट। बट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई जर्मन शेफर्ड में 2 ही कोट होते हैं। भाई वो चीज ऑन पेपर हो सकती है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो अगर इन जर्मन शेफर्ड पपीज के कोट के बारे में बात करें तो गाइस ओनर ने मुझे बताया कि पपीज लॉन्ग कोट में है, जो कि दिखने में काफी ब्यूटीफुल एंड काफी हैवी लगते हैं। बस लॉन्ग कोट के जर्मन शेफर्ड के कोट को मेंटेन रखना आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। इन्हें डेली ब्रशिंग जरूर करें ताकि इनका कोट जो है उसमें से डस्ट निकल जाए और वो सिल्की और स्मूथ बना रहे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जर्मन शेफर्ड किस टाइप के लोगों को परचेज करना चाहिए और कैसे इन्हें मेंटेन रखना चाहिए। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जर्मन शेफर्ड वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स ब्रीड की कैटेगरी में आते हैं। अपनी फैमिलीज के लिए ये हद से ज्यादा लॉयल होते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जर्मन शेफर्ड फैमिलीज के लिए अग्रेसिव हो जाएंगे तो भाई ऐसा कभी नहीं होता। तो ये चीजें तो आप लोग माइंड से निकाल दो। दूसरी चीज, अगर आप लोग इन्हें दूसरे एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए सोशलाइज नहीं करोगे तो भाई उनके लिए थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि भाई जैसा कि बता ही चुका हूँ कि एक परफेक्ट गार्ड डॉग ब्रीड है तो इन्हें पसंद नहीं होता कोई भी एनिमल्स या कोई भी स्ट्रेंजर इनके घर आए, और वो भी बिना किसी की इजाजत के। तो अर्ली एज से इन्हें ट्रेन करना स्टार्ट कर दें, इन्हें वॉक पर लेकर जाएं और दूसरे लोगों और एनिमल्स से मिलाएं और इन्हें बताएं कि क्या इनके लिए सही है और क्या गलत। तो फ्रेंड्स, पपीज के पेरेंट्स के बारे में बात करें तो मदर की क्वालिटी आप लोग देख ही रहे हैं जो कि आप लोग के सामने है, एंड फादर की बात करें तो ये देखेगा इसे जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज के फादर, जो कि सुपर्ब क्वालिटी में है। तो इन्हें देखकर शायद आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि जिन पपीज को आप लोग परचेज करने वाले हैं ये बड़े होकर कैसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इन जर्मन शेफर्ड पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो पपीज आज 38 डेज के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR और गुरुग्राम, यानी दोनों ही लोकेशन से आप लोगों को ये पपीज मिल जाएंगे। एंड रही बात डिलीवरी की तो भाई अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को डिलीवरी नहीं मिल पाएगी, ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते। अगर आप लोगों को परचेज करने और डायरेक्ट आना आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो ही आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करें। एंड अगर प्राइसिंग की बात करें तो पपीज सुपर क्वालिटी में, लॉन्ग कोट में और काफी हैवी बोन भी। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 14,000 पीस, 14,000 रुपए, जो कि एक डिसेंट सा प्राइस है, और फीमेल की 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए। तो दोनों का प्राइस बहुत ही बढ़िया है, बाकी आप लोग बारगेनिंग करके प्राइस थोड़ा बहुत कम करा सकते हो। वैसे क्वालिटी प्राइस के साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाएं यार। तो मिलता हूं आप लोगों से हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।